गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, हैप्पी दशहरा, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस दशहरा। कुछ अपडेट्स, कुछ डिटेल्स और कुछ खबरों के साथ आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूं आज दिन में कंगना रनौत का। कंगना रनौत ने हैप्पी दशहरा विश किया है अपने ही स्टाइल में। आप लोगों को पता है उनका स्टाइल किस तरह रहता है। तो फिलहाल एक ट्वीट कंगना का दशहरा पे, और मैं आप लोगों को पढ़कर सुनाता हूँ कि क्या है वो ट्वीट। My broken dream smiling in your face, Sanjay Raut. Pappu Saina could break my house, not my spirit. ये कहना है कंगना रनौत का। कंगना रनौत ने कहा, आप मेरे सपने तोड़ सकते हो लेकिन मेरी आत्मा को झंझोड़ना और तोड़ना आप लोगों के बस में नहीं है। बंगलो नंबर 5 इज सेलिब्रेटिंग द ट्रिम्फ ऑफ गुड ओवर इविल टुडे, हैप्पी दशहरा। ये कहना है कंगना रनौत का। कंगना रनौत ने अपने ही स्टाइल में, शेरनी वाले स्टाइल में फिर से बता दिया है और ट्वीट कर दिया है संजय राउत को और विश किया है हैप्पी दशहरा। आप लोगों को पता है कल भी कंगना ने एक ट्वीट किया था और लिखा था कि पप्पू जी कि सर्वनिर्मित महान नेता से क्या तुलना करना जो अपने पिता के सिद्धांतों को सत्ता के लिए बेच दे, वो किसी के अधिकारों और उनकी भावनाओं को क्या समझेगा। धिक्कार है ऐसे सरकार पे जो पत्रकारों पे अत्याचार करें। ये रिपब्लिक पर किए हुए एफआईआर के बेसिस पर कंगना ने कहा था। तो कंगना ने अपना स्टाइल से, अपने ही स्टाइल से आज हैप्पी दशहरा विश की है, और जिन जिन को विश की है वो मैंने आप लोगों को नाम बता दिया है। तो फिलहाल कंगना राउत पर इतना ही, और भी अपडेट्स आएंगी और भी डिटेल्स आएंगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सुशांत सिंह राजपूत केस में कुछ अपडेट्स हैं जो मैं आपके साथ अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद।